यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आज वर्ल्ड फूड डे और विडंबना देखिए कि इस दिन का मकसद खाने पीने की चीजों में पोषक तत्व और सेहतमंद खाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। लेकिन हमारे यहां तो अलग ही हिसाब चल रहा है। हमारे यहां कुछ लोग खाने में थूक दे रहे हैं, कुछ लोग पेशाब मिला दे रहे हैं, यूरिन मिला दे रहे हैं। मतलब गजब लेवल पे घटिया और घिनौनी हरकत चल रही है। अब तक आपने इस तरह के वीडियो रेस्टोरेंट और सड़क के किनारे खाने पीने के चीज बेचने वालों के लोगों को करते देखा होगा। बॉस, अब तो घरों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं जहां खाना बनाने वाली मेड हेल्प इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही हैं। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा की पॉश सोसाइटी के वीडियो हैं जहां रसोई में काम करने वाली मेड खाना बनाने के लिए अपने पेशाब का इस्तेमाल करती दिखी सीसीटीवी में। इसके अलावा रसोई में काम करने वाली एक मेड ने रसोई को ही टॉयलेट बना दिया, जो किचन सिंक होता है उसी में यूरिनेट कर दिया। ये देखिए, इस तरह के वीडियोज ने देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है। अब हर कोई अपनी मेड को शक की नजर से देख सकता है। भाई लोग परेशान हैं, हर किसी को लग रहा है कि अरे यार हमारे यहां सीसीटीवी नहीं है, या आप सीसीटीवी में भी 24 घंटों का फुटेज थोड़ी चेक करते हैं। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं ये सब देखकर। सवाल है उनके मन में कि बॉस ये सब चल क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, इनके दिमाग में आखिर ऐसा चल क्या रहा है और इससे निपटा कैसे जाए, सीएम योगी ने कौन सा तगड़ा इलाज ढूंढ लिया है, ये मॉडल कैसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। आज आपको ये सब दिखाऊंगा बताऊंगा। लेकिन पहले वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। कहीं सड़क के किनारे हो रहा है, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है, कहीं ठेला लगाकर खाने पीने की चीजें बेचने वाला थूक लगाकर चीजें बेच रहा है। तो इनका इलाज योगी ने क्या ढूंढा है, इस पर आज विस्तार से बात होगी। उत्तराखंड में क्या इलाज ढूंढा गया यह भी बताऊंगा। लेकिन खाने पीने की चीजों में थूक लगाने के वीडियो तो आपने अक्सर देखे होंगे। इस बार घर में काम करने वाली एक हेल्प ने, मेड ने जो करतूत की है उसको सुनकर देखकर पूरा देश हिल गया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी का यह वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ब्लर करना पड़ा बॉस, दिखाने लायक चीज नहीं है। यहां काम करने वाली हेल्प ने आटा गूंथने के लिए एक तसला लिया और उसमें पानी की जगह अपना पेशाब मिला दिया। ये देखिए, उधर कोने में गई, धीरे से दरवाजा खींचा, बंद किया और वहीं पे उसी तसले में कर दिया। यह बात उस समय पता चली जब परिवार के लोगों ने कुछ दिन पहले रसोई के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया। इस हरकत को देखकर पूरा परिवार शॉक में चला गया भाई, क्योंकि यह मेड पिछले 8 साल से इस परिवार के लिए खाना बनाने का काम कर रही है। 8 साल आज का नहीं है। जब इसकी यह सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। यह हरकत आपको सुनने में ही इतनी घिनौनी लग रही होगी कि कोई किसी के खाने में कैसे अपना पेशाब मिला सकता है। सोचिए उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, उसको कैसे उल्टियां आ रही होंगी जिसको यह पता चला कि वो पता नहीं कितने साल से ऐसा ही पेशाब मिला हुआ, यूरिन मिला हुआ खाना खा रहा है, क्योंकि भाई ये 8 साल से काम कर रही थी। इस परिवार की अस्पताल पहुंचने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि इस परिवार के लोग लिवर और पेट की कई तरह की बीमारियों का शिकार हो गए, इनका इलाज चल रहा है। परिवार वालों को जब इस सीसीटीवी वीडियो को में मेड को दिखी और उसने मेड को यह वीडियो दिखाया कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो घर से फरार हो गई। हालांकि पुलिस को शिकायत करने के बाद इस मेड को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, जब पुलिस ने इस मेड से पूछा कि हरकत क्यों कर रही थी भाई, क्यों खाने में अपना यूरिन मिला रही थी, तो इसने बताया कि घर के लोगों की डांट का बदला लेने के लिए ये सब किया। अब आप सोचिए कि घर में काम करने वाली हेल्प से अगर आप कुछ कह दें तो कोई यूरिन मिला देगा, अपना पेशाब मिला देगा। इस वीडियो को देखकर देश भर के लोग डर गए, कई लोग सावधान भी हुए, कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगाना अब जरूरी हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेड से सिर्फ प्यार से ही बात करो, अगर डांटा तो कहीं इस तरह का बदला ना ले ले। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें नोएडा के सेक्टर 93 में एक बड़ी सोसाइटी का यह वीडियो, वहां मेड ने रसोई को ही टॉयलेट बना डाला। सेक्टर 93 है नोएडा में, वहां एक पॉश सोसाइटी है जहां यह मेड बर्तन साफ करने वाली सिंक में ही यूरिन कर रही है।
इस तरह की सिंक में खाना बनाने और खाना खाने वाले बर्तन रखे जाते, लेकिन इस मेड ने उसी में कर दिया। अच्छा, एक दिन का भी नहीं है कि चलो एक दिन किया हो। आप कपड़े देखिए, कपड़े चेंज हो रहे हैं, एक दिन हरी साड़ी है, एक दिन दूसरी साड़ी है। तो इसका मतलब ये तो रोज का काम है। इसको लेकर देखकर भी लोग हैरान है, शॉक्ड है कि भाई जिस सिंक में किचन के बर्तन रखे जाते हैं, आदमी वहां थूकता नहीं है, वहां आप कोई पेशाब कर रहा है, बताइए रसोई में कौन करता है भाई? ये पिछले महीने का वीडियो है जिसके बारे में अब लोगों को पता चला, तो इस मेड को नौकरी से निकाल दिया। गुस्से में बदला लेने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, इससे जुड़ी एक और घटना के बारे में बताता हूं। यूपी के बागपत में एक कर्मचारी ने अपनी सीनियर ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसके खाने में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के मरीज का बलगम मिला दिया, ताकि उसे भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। यह घटना बागपत के टीबी अस्पताल की है, जहां के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके अस्पताल में काम करने वाले दो कर्मचारियों जब्बार और मुशीर ने उनके खाने पीने की चीजों में टीबी के मरीजों का बलगम मिलाने की हरकत की। इस घटना के खुलासे के बाद डॉक्टर साहब के साथ पूरे अस्पताल के होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक यह हरकत उन्हें जान से मारने के लिए की गई। मतलब गजब गजब चीजें सामने आ रही। अब यह भी समझिए कि इस घटना के मुख्य आरोपी जब्बार ने ऐसा किया क्यों। दरअसल बागपत के जिला टीबी अस्पताल में जब्बार नाम का चपरासी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। 7 अक्टूबर को जब्बार की एक ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला, जिसमें वो अस्पताल के डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी और एमडीआर के मरीजों का बलगम मिलाने की बात कर रहा था। दरअसल एमडीआर टीबी के मरीजों की वो स्टेज होती है जिसमें अक्सर दवा भी काम करना बंद कर देती है। जब इस बात के बारे में अस्पताल को पता चला तो दोनों आरोपी गायब हो गए। हालांकि अब मुख्य आरोपी जब्बार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुशीर नाम का आरोपी अभी भी फरार है। आप सोचिए कि ये कैसे लोग हैं कि इस तरह की घटिया हरकत पर उतर आए हैं कि कोई धर्म के नाम पर बदला लेने के लिए, कोई डांट का बदला लेने के लिए। इस तरह का ये मतलब पाप ही है। बागपत अस्पताल के डिप्टी सीएमओ को भी सुनिए एक बार। हमारे जो एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, उसके द्वारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे दी गई और बताया गया कि इस तरह की साजिश है। उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में उसके लिए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो दो लोग थे, एक का नाम जब्बार था, दूसरे का नाम मुशीर था, ये दोनों मेरे ही एम्प्लॉय है और एक टीबी के एलटी के पद पर कार्यरत है और दूसरा टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। तो इनका किस तरीके से इन्होंने एमडीआर टीबी के जो बलगम होता है जांच के लिए हमारे पास आता है, तो वो मुझे खाने में डालने की। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए जिसमें रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले कर्मचारी खाने में थूक मिलाते हुए दिखे। इसके अलावा सड़क पर खाने पीने की चीजें जैसे जूस और फलों में भी कई दुकानदार थूक मिलाते देखे गए। लेकिन अब ये लोग इस तरह की हरकत ना कर पाए, इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तगड़ा इंतजाम किया है जिसकी चर्चा हो रही है कि भाई देश भर में ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो थूक या कोई भी ह्यूमन वेस्ट मिलाए जाने को लेकर अध्यादेश लाने जा रहे हैं। अब इसके कानून बनने के बाद ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ स्यूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब अगर इस तरह के खाने में थूकोगे, यूरिन मिलाओगे, पकड़े गए तो 10 साल फिर जेल में ही थूकते रहना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024 भी लाया जा रहा है। इसके तहत ग्राहक को रेस्टोरेंट के मालिक से खाने से जुड़ी सभी जानकारी लेने का अधिकार होगा। ग्राहक ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार खाने में थूक या ह्यूमन वेस्ट मिलाने का दोषी पाया जाता है तो ये गैर जमानती अपराध होगा, बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस तरह की घटनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी केस चलाया जा सकता है। यूपी इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा जब यह कानून आ जाएगा और बन जाएगा, लागू हो जाएगा। खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त एक्शन का आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी जिलों में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड के सभी रेस्टोरेंट को रसोई में सीसीटीवी लगाना ही होगा। इसमें जरूरत पड़ने पर खाद्य विभाग की टीम ढाबों और रेस्टोरेंट पर रैंडमली जांच भी करेगी। यानी जिस तरह के हालात बन गए हैं, अब क्या कीजिएगा? अगर सजा का प्रावधान नहीं होगा
कितने लोग सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और कितने लोग सीसीटीवी कैमरा